हेलो दोस्तों, टेक टू बूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है फहद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने कैनन के DSLR कैमरास के अंदर वीडियो शूट करने के लिए कौन सी सेटिंग्स रखने चाहिए। तो मैं आपको बेसिक सेटिंग्स बताऊंगा कि कौन सी सेटिंग्स होती हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए और कौन सी आपको सेटिंग्स रखनी चाहिए जिससे कि आप बेस्ट वीडियो शूट कर सकें यूट्यूब के लिए या और भी जो भी वीडियो आप शूट करना चाहें। तो बेसिकली कैनन के उन कैमरास की सेटिंग्स मैं बताऊंगा जो कि हैं क्रॉप सेंसर कैमरा, जो कि ज्यादातर यूट्यूबर्स वगैरह भी यूज करते हैं, लाइक कैनन 200D, कैनन 70D, कैनन 77D, कैनन 80D। तो इसमें मैं बेसिकली जो फेमस कैमराज हैं, खासतौर पर यूट्यूब वीडियोज वगैरह के लिए भी शूट होते हैं क्रॉप सेंसर कैमराज, मैं उनकी सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ वीडियो के लिए। और इसके अलावा भी दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि कौन से बेस्ट लेंसेज हैं यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए जो कि आते हैं बजट के अंदर, जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं अपने कैनन के DSLR कैमरास के लिए वीडियो शूटिंग के लिए। तो इसलिए इस चैनल की अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब बटन करके सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दिए ताकि मैं जैसे ही लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से आ जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अपने वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स में जो कि हमें बटन्स की करनी है। तो बटन्स में यहाँ पे जो आपको सेटिंग्स दिख रही हैं यहाँ पे, तो इसको सबसे पहले दोस्तों आपको ज़्यादातर आप ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ये A+ पे यानी कि ऑटो के ऊपर रहती हैं सेटिंग्स, तो यहाँ पे आपको ये करना है कि इसको ऑटो से सबसे पहले हटा के मैनुअल पे कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसे मैनुअल पे के ऊपर करना है, M के ऊपर। दोस्तों, अब मैं अपना कैमरे को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अपने यहाँ पे कैमरे को ऑन कर लिया है और ये है इसका डिस्प्ले। तो अब जैसे कि देख सकते हैं ऑलरेडी, वैसे तो मैंने सेटिंग्स कर रखी हैं इसके अंदर। अब हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे मीनू में। तो ये मीनू बटन है इसका, तो मीनू बटन में दबाता हूँ इसका है। तो हमारी खुल के आ गई सामने यहाँ पे मीनू। फ्रेंड्स, मीनू में सबसे पहले दोस्तों हमें जाना है मूवी रिकॉर्डिंग साइज, जिसपे हमें रिकॉर्ड करनी है मूवी। और यहाँ पे हमें अपनी मूवी का जो है साइज सेलेक्ट कर लेना है। साइज हमें जो है फुल HD यहाँ पे दिया हुआ है, VGA दिया हुआ है, ऑप्शन सारे दिए हुए हैं। तो मैक्सिमम जो हमारा कैनन जो है, ज्यादातर जितने भी क्रॉप सेंसर कैमराज हैं लाइक 200D वगैरह, सब में हमें 50 FPS तक का 1080p पे ऑप्शन मिल जाता है। तो बेस्ट रहता है कि हम 1080p 50 FPS उसके ऊपर ही रिकॉर्ड करेंगे। उस पर रिकॉर्डिंग भी काफी स्मूथ रहती है हमारी, और एडिटिंग में भी हमें अगर हमें स्लो वगैरह भी करना है या फास्ट भी करना है, फास्ट फॉरवर्ड करना है, तो उससे काफी मदद मिल जाती है। तो यहाँ पे वो फुली ऑप्शन आपको सारे दिख रहे होंगे। तो फुल HD का जैसे कि ऑप्शन दिख रहा है आपको टॉप वाला, FHD जो लिखा है, इट मीन्स फुल HD। तो यहाँ पे इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आ गया, आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर 1920x1080 50 FPS। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम यहाँ से फिर ओके कर देंगे। तो अब मेरी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग हुई FHD फुल HD 50 FPS के ऊपर, और ये रिकॉर्डिंग होगी हमारी MP4 फॉर्मेट में, जैसे कि आप देख सकते हैं MP4 फॉर्मेट है। उसके बाद हमें जो है दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे जाना है, साउंड रिकॉर्डिंग। साउंड रिकॉर्डिंग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं साउंड रिकॉर्डिंग सेटिंग्स के अंदर आ गया हूँ दोस्तों। अब साउंड रिकॉर्डिंग सेटिंग्स के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर है साउंड रिकॉर्डिंग लेवल। तो साउंड रिकॉर्डिंग लेवल को दोस्तों मुझे यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है और उसे मैनुअल कर लेना है। ऑटो पे होगा बाय डिफॉल्ट, तो हमें यहाँ से ऑटो से हटा के इसे मैनुअल पे कर लेना है, मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड था। और फिर हम जो भी माइक यूज़ कर रहे हैं, अब माइक के हिसाब से मैं बता दूं, यहाँ पे हमें मैनुअल रिकॉर्डिंग की सेटिंग करनी होगी जो कि यह आ जाता है लेवल। तो इसके अंदर यहाँ पे जो है जनरली लेवल जो सेट रहता है वो आपको यहाँ मिड में दिखेगा। ये जो है मिड में, यानी मिड का जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, इस जगह आपको इन जनरल आपको कैनन जगह आप जब कैमरा ओपन करेंगे अपना नया निकाल के, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेंगी। इससे आपको अगर आप जैसे कि कोई लेवलियर माइक यूज़ कर रहे हैं, जो कॉलर माइक भी कहलाता है इन जनरल, लेपल माइक अगर कोई यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप क्या करें, इसको थोड़ा सा आप कम कर लें अपने माइक के हिसाब से। मैं कहूँगा सबसे पहले आप मिड में कर लें, इन दोनों जो लाइन है मिड से थोड़ा सा बैक करके इसकी पीछे वाली के और इसके बीच में है सेंटर में कर दें, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे करी है। और इतने पे करके आप फिर इसको ओके कर दें और फिर अपने माइक से आप पीक लेवल बोल के देखें। इस वक्त जैसे आपको दिख रहा है पीक लेवल आ रहा है, तो ये तो अभी इसके इंटरनल माइक से हो रहा है क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल माइक इसमें अटैच नहीं है। और फिर आपका जो भी लेपल माइक है उससे आप बोल के देखें कि आपकी रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, और उसको एक बार चेक कर लें अपने इसी कैमरे पे ही चला के या फिर एक बार ट्रांसफर करके अपने PC वगैरह में कि रिकॉर्डिंग आपकी कैसी हुई है। लेपल माइक में जनरली अगर मैं बताऊं सबसे ज्यादा अगर यूज होता है यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में भी और आउट ऑफ कंट्रीज में भी बजट के अंदर, लो बजट के अंदर, तो वो होता है बोया का BY-M1 माइक, जो कि कॉलर माइक है बोया का BY-M1। तो उसके अंदर ये सेटिंग सबसे बेहतरीन जो है काम करती है मिड में करके यहाँ पे। इससे आपकी नॉइज कैंसिलेशन भी अच्छे से हो जाती है यहाँ पे मिड में करने से, क्योंकि लेवल हमने कम कर दिया तो गेन कम होगा, लेकिन माइक हमारे जनरली कॉलर पे लगता है तब भी उससे बहुत अच्छा गेन मिल जाता है और आसपास का शोर भी काफी कट ऑफ हो जाता है।
तो इसको मैं कहूंगा मिड में कर सकते हैं, या फिर और भी कोई अगर आप लेपल माइक यूज कर रहे हैं तो उसमें अपने हिसाब से इसे बैक करके, बैक करने से क्या होगा आप लेवल रिकॉर्डिंग लेवल इधर लेफ्ट पे करेंगे तो गेन कम होगा ऑडियो का इसे बैक करने से लेफ्ट साइड की तरफ, तो जितना गेन कम होगा आपका उतनी आपकी जो नॉइज आसपास से आ रही होगी वो कम होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग लेवल भी आपका डाउन होगा। लेकिन अगर आपके माइक की पावर ऑटोमेटिकली ज्यादा है तो वो रिकॉर्डिंग फिर भी बहुत अच्छे से कर लेगा। तो आप अपने जनरल बोया वीवा M1 माइक्स के अंदर और जो भी जो मतलब बजट के अंदर माइक आते हैं उनमें ये सेटिंग बहुत अच्छे से काम कर जाती है। बाकी आप इसे थोड़ा आगे पीछे करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी वॉइस को कि कैसी रिकॉर्ड हो रही है। और मैं इसे रिकमेंड करूंगा कि मैं इंडोर्स में भी एक बार चेक करें और आउटडोर्स में भी चेक करें जहां शोर शराबा हो रहा है, उससे ये भी अंदाजा होएगा आपको कि जो नॉइज है वो कितना कैंसिल हुआ है, कितना कम रिकॉर्ड हुआ है। बाकी यहां पे जो विंड फिल्टर वगैरह है इसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसको हमें ऐसे ही रहने देना है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई हाई एंड माइक वगैरह यूज कर रहे हैं, लाइक अगर आप कोई शॉटगन माइक यूज कर रहे हैं, बोया वगैरह का हाई एंड माइक भी आते हैं, तो उसमें भी आप इसे डाउन कर सकते हैं और डाउन करके अपनी सेटिंग्स को वैसे ही चेक कर सकते हैं। ये हो गई हमारी ऑडियो सेटिंग्स। अब नेक्स्ट दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं जो कि हेल्पफुल रहेगी वीडियो रिकॉर्डिंग में, कि यहाँ पे आप जाएं जो ऑप्शन है तीसरा वाला सेटिंग्स का, इसमें जाएं, यहाँ के अंदर हम जाएंगे सेकंड नंबर के अंदर और यहाँ पे हमारे दिया हुआ है ये LCD ब्राइटनेस का ऑप्शन। तो LCD ब्राइटनेस यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट करके आप इसको जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बढ़ा ली है, बाय डिफॉल्ट आपकी जो है इतनी आएगी 4K ऊपर। तो आप इसे अगर आउटडोर्स में अगर शूट कर रहे हैं वीडियो तो यहां से जाके आप LCD ब्राइटनेस को इतना बढ़ा सकते हैं, तो इससे आउटडोर्स में आपको अपनी वीडियो को देखने में, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अपने जब आप सामने करके इसको फ्लिप करके रिकॉर्ड करेंगे तो देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इससे थोड़ा बैटरी कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आप आउटडोर्स में इसे बढ़ा सकते हैं और फिर आप इंडोर्स में अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसे नॉर्मल इतने पे कर सकते हैं, या इंडोर्स में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसे 5 पे ही सेट करके ओके कर सकते हैं। और ऑटो पावर ऑफ जो है आप ध्यान से डिसेबल कर दिएगा, मेरे कैमरे में एनेबल आया था, वरना ये ऑटोमेटिकली जो है पावर ऑफ होएगा, तो इसे ऑटो पावर ऑफ को आप डिसेबल कर दिए। मैनुअली हम जब यहां से ऑफ करेंगे कैमरे को तभी ऑफ होगा। सो फ्रेंड्स ये सारी हो गई हमारी अब मेनू सेटिंग्स। अब हम आ जाते हैं बाहर यहां से मेनू से निकल के। अब दोस्तों जो हमें नेक्स्ट चीज ध्यान देनी है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, वो देनी है हमें कि हमारे जो फ्रेम्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे फ्रेम्स हमने अंदर लिए हैं, तो मैक्सिमम हमारे फ्रेम्स थे फुल HD 50 FPS के ऊपर हमने सेट करे हैं। तो 50 के अंदर अगर हमने सेट करे हैं तो यहाँ पे हम अपने जो फ्रेम सेटिंग है इसको हम कर देंगे जस्ट डबल उसकी, यानी कि 50 की 100। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 सेट कर रखा है, तो ज्यादा उससे ऊपर कहीं नहीं जाना हमें, बस जितने भी हमारे फ्रेम्स पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप 25 FPS के ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फ्रेम्स को कर देंगे 50 के ऊपर, अगर आप 50 FPS के ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपने फ्रेम्स को बढ़ा के कर देंगे 100 के ऊपर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जिस भी आप FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हो उसका डबल यहाँ पे आपको शटर स्पीड को सेट कर देना है। तो मैक्सिमम जाहिर सी बात है कैनन के DSLR में हमें करंटली जितने भी क्रॉप सेंसर वाले हैं उनके अंदर हमें 50 FPS 1080p के ऊपर रिकॉर्डिंग मिलती है, तो सीधी सीधी आप जो शटर स्पीड को है अपनी 100 के ऊपर सेट कर दें यहाँ पे। उसके अलावा फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा एपर्चर। अब दोस्तों अगर आप इंडोर्स के अंदर सेट कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा लोएस्ट एपर्चर ही रखें, जो भी आप लेंस यूज कर रहे हैं, किट लेंस यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको 5 point something एपर्चर मिलेगा, तो लोएस्ट आप उसे रख दें। और लाइट वगैरह आप ज्यादा जला लें इस लेंस में, क्योंकि मेरे पास लोएस्ट एपर्चर 2.8 का है, तो इसलिए और ज्यादा ब्राइट में फोटो ले सकता हूं, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूं, तो मैंने लोएस्ट पे जो है सेट कर दिया है इसे 2.8 के ऊपर। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ISO सेटिंग्स। अब दोस्तों ISO जनरली लोग क्या करते हैं कि लाइट वगैरह अगर रूम में कम होती है तो बहुत ज्यादा ISO बढ़ा के ले आते हैं 6400 इवन 12800 तक, जितनी भी हाईएस्ट होती है। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ब्राइट कर दिया है इसने जो बैकग्राउंड है मेरा, लेकिन इससे क्या होगा आपकी जितनी भी डिटेल से वीडियो होगी वो बहुत ज्यादा लो आएगी, यानी कि क्रिस्पनेस शार्पनेस जो होती है आपकी वीडियो की वो बिल्कुल चली आएगी, वीडियो आपकी आपकी समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा भद्दी ब्लरी सी आएगी। तो ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर कभी भी ISO सेटिंग 3200 से ऊपर नहीं ले जानी। अगर आप इंडोर्स में भी शूट कर रहे हैं लाइट कितनी सी भी कम से कम हो 3200 से आपको ऊपर नहीं ले जाना। 6400 तक का बस मैं कहूंगा अगर बहुत ज्यादा कहीं जरूरत पड़ रही है तो बस आप लास्ट जो है टच 6400 तक यूज कर सकते हैं, जहां पे आपके पास लाइट का इंतजाम ना हो, या फिर मैं कहूंगा कहीं इमरजेंसी में आपको वीडियो शूट करनी है और लाइट बहुत कम है तो आप 6400 तक ले जाएं, 1200 तक भी ले जाएं, वो सिर्फ इमरजेंसी के मामले में। लेकिन इन जनरल आप जब भी वीडियो शूट कर रहे हैं 3200 से 3200 से आपको कभी भी ऊपर ISO सेटिंग्स नहीं ले जानी। 3200 तक आपकी वीडियो जो है एकदम क्रिस्प रहेगी, कोई भी आपको डिस्टॉर्शन कैसा भी नहीं देखने को मिलेगा। और लोएस्ट जितनी भी रहे जाहिर सी बात है उतना अच्छा है, 1600 या 800 तो बेहतर है, लोएस्ट जितनी भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, उतनी शार्प आपकी ज्यादा अच्छी से क्लियर वीडियो रहेगी। लेकिन मैक्सिमम में अगर आपको ले आना है, लाइट आपके पास कम है, तो 3200 से ऊपर नहीं ले जाना। और 3200 के ऊपर ले आके आप अपने कमरे की कोशिश करें कि लाइट जला लें, अगर तब भी लाइट आपको कम लग रही है, या और ज्यादा आप लाइट का अपने स्टूडियो लाइट वगैरह का इंतजाम कर लें। मैं ज्यादातर से 3200 पर ही रिकॉर्ड करता हूं।
दोस्तों उसके अलावा अगर आपके लेंस के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह नहीं है तो आप डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन अपने कैमरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए चल वगैरह रहे हैं कैमरे को लेके अपने, तो यहाँ से जाइए आप ये जो है क्यू बटन दबा के साइड में, और यहाँ से जाके आपको हैंड शेक का ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे दबाइए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मूवी डिजिटल IS यानी इमेज स्टेबलाइजेशन। तो ये ऑफ है, आप इसे करंटली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और एनहेंस करना चाहते हैं इसकी परफॉर्मेंस को इमेज स्टेबलाइजेशन की, तो आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट करके और एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एनहेंस ऑप्शन के ऊपर ये क्रॉप कितना ज़्यादा इतना ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मल पे ले आऊँ तो इतना क्रॉप होगा और ऑफ कर दूँ तो इतना। तो इमेज स्टेबलाइजेशन जो है डिजिटल उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है क्रॉप हो जाता है, जितना आप देख रहे हैं पीछे क्रॉप हो रही है इमेज। तो इसे आप मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ से इसे आप ऐसे एनेबल डिसेबल कर सकते हैं इसके इमेज स्टेबलाइजेशन को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप भी ऑटो फोकस भी सेलेक्ट करके यहीं से चेंज कर सकते हैं, और इमेज क्वालिटी भी यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं। सारी इमेज क्वालिटीज आपके पास आ रही हैं कि वीडियो क्वालिटी आपकी जितनी भी आपको सेट करनी है, और यहाँ पे आपके पास ऑटो वाइड बैलेंस है, आपके पास ये सारी सेटिंग्स भी आपको मिल जाती हैं जिन्हें आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों ये थी कुछ वीडियो सेटिंग्स जिन्हें आप सेट करके बेहतरीन वीडियो अपनी क्रिस्प इमेजेस विदाउट एनी लॉस ऑफ द क्वालिटी इन योर वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने कैनन के क्रॉप DSLR कैमरा से। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक कैमरा सेटिंग्स जिन्हें आप कंसीडर करके अपने DSLR कैमरा से बेस्ट वीडियोस शूट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब बटन करके सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दिएगा बेल के, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ढेर ऑसम वीडियो इस चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अपनी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।